हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट फोर ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई जस्ट होप आपने यहाँ तक की जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी थी वो रिवाइज कर ली होगी। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक के, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सो हमें सबसे पहले समझना है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। देखो ये थ्योरी सिंपली क्या सजेस्ट करती है, देखो एक बात समझना, ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है मैं बताता हूँ। आप किसी को रास्ता आज चलने को दिखाओगे कि भाई ये रास्ता चल, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये होगा कि वही बंदा आपको रास्ता दिखा रहा होगा। क्या मतलब है इसका? देखो एक बात समझना, ये थ्योरी ये कहती है कि मान लो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब चीजें हैं, वो क्या करती है, इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन तो वही करती है क्योंकि वो आपसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो वो क्या करेंगी, वो ग्रो करेंगी, राइट। बट जैसे जैसे वो ग्रो करती चली जाएंगी, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरी कंट्रीज तक भी जाएंगी। अब होता यहां पे ये है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरी कंट्रीज में तो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में होगा ये कि एक टाइम आएगा वो कंट्रीज आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको समझ जाएगी, तो फिर जो चीज पहले आपने डेवलप की थी अब कौन डेवलप करेगा, अब वो लोग खुद डेवलप करेंगे। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जैसे कि एग्जांपल समझ के देखते हैं, होगा क्या, मान लो आज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे हम लोग ये बात को समझते हैं कई बारी कि हम ये चीज सुनते आ रहे हैं कि इंडिया ने ये चीज कॉपी कर ली, इंडिया ने वो चीज कॉपी कर ली। ये वही थ्योरी है कि कोई एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट से, लेट्स सपोज कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो क्या हुआ, वो चाइना में बना, चाइना से बन करके वो कहां पहुंचा, वो चाइना से बन करके इंडिया पहुंचा, ठीक है। अब इंडिया वो प्रोडक्ट पहुंच गया, पहले तो दबा करके चाइना इंडिया को उस चीज का एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना का जो भी अपना प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट है, वो अपने पास रख रहा है। अब इंडिया स्टार्टिंग में तो एज अ कंज्यूमर सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, उस चीज को वो सीख जाएगा, समझ जाएगा कि इस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज क्या है और इस प्रोडक्ट को मैं खुद कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं। जहां चाइना इस बात को, इंडिया इस बात को समझ गया कि इस चीज को मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा इंडिया, वो खुद बनाने लग जाएगा, राइट। सो दैट इज लाइफ साइकिल थ्योरी। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, वो इसी बेसिस के ऊपर काम करती है। तो चलो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय रेमंड वर्नन इन 1966 टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ हेक्सर रोलिंग थ्योरी। The theory explains how product life cycle has an impact on the international trade. वो क्या, जो product का life cycle है वो किस तरीके से impact करेगा। It explains how an innovator country like United States of America producing a technologically driven product becomes from an exporter to an importer of that product. मतलब एक country जो already पहले क्या थी, technologically driven country थी, जो किसी एक चीज का बहुत बड़ा exporter थी, अब वो क्या बन गई, वो technically importer बन गई। कैसे, देखो कुछ चीजें जो हमें समझनी है। पहले द प्रोडक्ट इज अ टेक्निकल वन विच सेव्स लेबर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। वो क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकल नेचर का है, ठीक है, इसकी वजह से जो लेबर एफर्ट है वो बच जाता है। देखो आप एक कंज्यूमर के तौर पे भी तो आपके लेबर एफर्ट लगते हैं। जैसे मान लो पहले के टाइम पे जो मशीन हुआ करती थी, ज्यादातर चाहे रिक्शा है, एक मैकेनाइज सिस्टम है, हम मशीन नहीं बोल सकते रिक्शा को, लेकिन एक मैकेनाइज सिस्टम तो था। अब क्योंकि अगर नॉर्मली लोगों को जो पहले, अगर आप आज के डेट में भी कलकत्ता जाएंगे तो यू विल फाइंड पीपल जहां पे लोग क्या करते हैं, लाइक पैसेंजर को पीछे बैठा लेते हैं और खुद से उसको आगे से रख करके हाथ गाड़ी के तौर पे उसको खींच के लेके जाते हैं। तो पहले लोग इस तरीके से कैरी कर रहे थे, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मैकेनाइज करके बनाया गया, तो अब आप पेडल्स की मदद से रिक्शा चला रहे थे, राइट। तो लेबर तो लग ही रहा है ना आपका, तो कंज्यूमर के तौर पे भी आपका लेबर तो लगता ही है किसी भी चीज को। जैसे मान लो कि बहुत छोटा एग्जांपल, प्रेजेंट डे में अगर मैं बात करूं, आज एलेक्सा आ गया, एलेक्सा की वजह से आपका ऑलमोस्ट हर एक काम जो है वो वॉइस कमांड पे होने लग गया है। मतलब आजकल ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, ऐसे मतलब हार्डवेयर आ गए हैं जो आप अपने फैन पे, अपने लाइट पे लगा लोगे और एलेक्सा से कमांड दोगे तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो लेबर एफर्ट बच गए, क्योंकि पहले फैन बंद करने के लिए आपको उठना पड़ रहा था, ठीक है, अब नहीं करना पड़ रहा। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो इतना टेक्निकल है कि कंज्यूमर की पूरी की तरीके से जो लेबर एफर्ट है उसको बचा रहे हैं। दस टेक्नोलॉजी प्लेस, तो इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नए प्रोडक्ट्स को बनाने में। तो
द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बाय दैट कंट्री विच हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेक्निकल नो हाउ. ये हम बहुत पहले से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका एक कंपेरेटिव एडवांटेज है मतलब टेक्निकल नो हाउ के अंदर. ठीक है, स्किल्ड लेबर, हाई इनकम कंज्यूमर एंड इज कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बॉर्न एंड डाई, सेम इज विद द प्रोडक्ट विच गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम टाइम इट एंटर्स द मार्केट एंड ग्रेजुअली एज इट गेट्स वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट. देखो कोई भी ये चीज हम समझते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है. हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है कि वो चीज आज बनी है कल वो चीज क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी. कल ना कल परसों वो चीज खत्म होनी है. तो प्रोडक्ट्स के साथ भी ऐसा होता है एंड दैट इज द रीजन कि आपको कोई एक चीज हमेशा मार्केट में नहीं मिलती. आप कोई भी चीज लेने जाओगे तो टाइम के साथ वो प्रोडक्ट वाइप आउट हो जाता है क्योंकि कोई नई चीज उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में पहुंच जाती है. राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोडक्ट गोज थ्रू थ्री स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल विच आई एक्सप्लेन हियर. तो उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट जो है वो तीन स्टेजेस से जाता है. वो तीन स्टेजेस कौन से, वो पढ़ते हैं. पहला, सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट को आना ही पड़ेगा. तो इंट्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट स्टेज, ये वो स्टेज है जहां पे प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इन दिस स्टेज द इनोवेटर कंट्री प्रोड्यूसेस एज वेल एज सेल्स द न्यू प्रोडक्ट डोमेस्टिकली. एज द प्रोडक्ट इज न्यू द कंपनी लाइक्स टू रिमेन क्लोज टू द मार्केट सो एज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स. द कंपनी एंजॉयज मोनोपोली एंड द कॉम्पिटिशन इज नेग्लिजेंट इन दिस केस एज द चांस ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट इज अनसर्टेन. वो कह रहे कि देखो ऐसा क्या है कि आप एक नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए. अब जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए हैं उस तरह का प्रोडक्ट अभी और कोई नहीं बेच रहा, तो वॉट यू विल ट्राई टू बी अब्रेस्ट विद द कंज्यूमर्स एज मच एज यू कैन ताकि आप उनसे इफेक्टिवली लगातार बात कर सके कि भाई क्या प्रोडक्ट की कमी है, सप्लायर से बात कर सके रिगार्डिंग के प्रोडक्ट के फीडबैक कंज्यूमर्स के पास क्या है. राइट, वो कहते हैं प्रोडक्ट इज प्राइस इन इलास्टिक हेंस टारगेट्स अ हाई इनकम कंज्यूमर. क्योंकि तुमने नया प्रोडक्ट निकाला है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जब किसी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्राइस इन इलास्टिक. कैसे, देखो प्राइस इन इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर आप प्राइस को चेंज कर भी रहे हो तो डिमांड जो है कंपेरेटिवली उतनी परसेंट पे चेंज नहीं हो रही. डिमांड का जो परसेंटेज चेंज है वो कंपेरेटिवली बहुत कम है. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्राइस इन इलास्टिक. हेंस टारगेट्स द हाई इनकम कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे हाई प्रीमियम रेमेंड कंसिडर एसे एज एन इनोवेटिव कंट्री वेयर कंपनीज प्रोड्यूस द न्यू टेक्निकल प्रोडक्ट फॉर इट्स कंज्यूमर्स देयरबाय जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स. तो ये हमें समझ में आ गया. चलो अब आता है कि पहला स्टेज जहां पे प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हुआ, जो उसने बाकी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया. अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स क्या होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की मैच्योरिंग स्टेज आती है, मैच्योरिटी वाली. मतलब जब वो अच्छी खासी मार्केट पकड़ चुका होता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का नाम हो चुका होता है, सब कुछ. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड द कंपनी स्टार्ट्स गोइंग फॉर मास प्रोडक्शन एंड आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. वो कह रहे हैं कि अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड जो इंक्रीज होता है एंड द कंपनी स्टार्ट्स गोइंग फॉर मास प्रोडक्शन. राइट, एंड आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इस बात को आप लोग, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इस बात को आप समझते हैं. जब भी कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टूडेंट्स की जाएगी तो इट विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब मैं किसी भी चीज को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करूंगा, मतलब जब मैं किसी चीज को बल्क प्रोडक्शन में लेके जाऊंगा, तो स्टूडेंट्स उससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम. क्योंकि आप उतने ही ज्यादा इनपुट्स को बाय करोगे, आप स्पेशलाइजेशन को टारगेट करोगे, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, कम. ओके, एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द इनोवेटिव कंट्री स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज टैपिंग हाई इनकम सेगमेंट कंज्यूमर्स. वो कह के जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो जो इनोवेटिव कंट्री है वो स्टार्ट करती है एक्सपोर्ट करना प्रोडक्ट को अदर डेवलप्ड कंट्रीज को. क्योंकि भाई अब आपको पता चल रहा है कि आपने डोमेस्टिक मार्केट तो कैप्चर कर ली, अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपको ज्यादा ज्यादा मनी अर्न करके दे, तो आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट नेशंस के अंदर भी. राइट, सो द इनोवेटर कंट्रीज में डिसाइड टू सेट अप एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू वन ऑफ दीज कंट्रीज ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज. अब अगर आपको दिख रहा है कि आप एक डिफरेंट मार्केट में गए, उस डिफरेंट मार्केट में आपको एक बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से, सो वॉट विल यू डू देन आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली वहां पे जाएंगे और आप कहेंगे यार बार बार इधर एक्सपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत लगती है. ठीक है, और हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे बैरियर्स भी आते हैं बहुत से तरह के. तो इनसे बचने का तरीका क्या है,
कि हम सिंपली जो अपना प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके लिए हम उस जगह पे एक प्लांट स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर मेरा प्लांट वहां पे होगा तो मेरा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूएसए विच इज द इनोवेटर कंट्री में डिसाइड टू सेटअप अनदर मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस। वो कह रहे कि जैसे यूएसए इनोवेटर है तो उसने सोचा कि यार यूएसए सामान फ्रांस तक जाता है, अच्छा सामान जा रहा है, तो इससे बेटर बार बार एक्सपोर्ट करने से अच्छा हम एक काम करते हैं वहां पे प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। वहां के लेबर का फायदा होगा, एक सस्ती लेबर हमें मिल जाएगी, एक ये फायदा हो सकता है। अगर ये नहीं भी होगा तो फ्रांस में रहते हुए मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हम मार्केट को और एक्सपैंड कर पाएंगे, राइट। इन दिस स्टेज एन इनिशियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय यूएसए इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स बाय यूएसए एज इट सेट अप एडिशनल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन फॉरेन डेवलप्ड कंट्री। अब ये चीज स्टूडेंट ध्यान से समझने वाली है। वो कह रहे हैं इस स्टेज में होगा क्या कि इनिशियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय यूएसए इज फॉलोड बाय, इनिशियली जो आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा था क्योंकि आप बाहर सामान बेच रहे थे, वो क्या होगा आपकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा और आपके जो एक्सपोर्ट्स है उसको डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने एक्सपोर्ट किया, नाउ व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि आप अपना प्लांट वहीं स्टार्ट करोगे, तो डोमेस्टिक लेवल की जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो जाएगी क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन को कम करोगे और साथ ही साथ में आपका जो एक्सपोर्ट है वो भी कम, क्योंकि अब तो वहीं पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक्सपोर्ट तो करोगे नहीं, राइट, ठीक है। सो दिस सिनेरियो वो सी 1960s एंड 1970s व्हेन मेनी यूएसए फर्म्स वर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो वो क्या कह रहा है कि ये क्या हुआ था, फिर यही चीज हुई कि 1960s और 70s के अंदर ये हुआ कि जो यूएसए की बहुत सी फर्म्स थी वो क्या कर रही थी, वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी। और पता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना को चाइना बनाने वाली इकोनॉमी भी बहुत जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूएस का है, क्योंकि ये देखा गया है कि यूएसए ने अपने बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाइना में सेटअप किया है, राइट, ठीक है। आगे फर्दर द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड फॉरन कंपनीज विल स्टार्ट डेवलपिंग द सेम प्रोडक्ट, हेंस द इनोवेटर कंट्री नीड्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट इट्स कंपनीज। तो इसीलिए वो कह रहे कि जो इनोवेटर कंपनीज कंट्री है वो क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजीज को ताकि उनकी कंपनीज प्रोटेक्ट की जा सके, राइट। आगे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज, इन दिस स्टेज द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉमनली नोन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। This product standardization leads to copying of the product by developing countries. वो कह रहे हैं इस स्टेज में क्या होगा कि देखो जब फीचर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉमनली नोन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब क्योंकि आप अपना प्लांट ऑलरेडी फ्रांस में, चाइना में, बाकी देशों में लगा चुके हैं, तो वहां के लोग भी उस प्रोडक्ट को यूज करते करते वो प्रोडक्ट, उसके फीचर्स और उसको बनाने का जो टेक्निकल नो हाउ है वो सीख जाएंगे। सो दिस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन लीड्स टू कॉपिंग। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से वो प्रोडक्ट कॉपी होना शुरू हो जाएगा। द डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग लेबर इंटेंसिव आर एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट अ चीपर रेट, देयर बाय गिविंग इंटेंस कॉम्पिटिशन टू ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज में आपने प्लांट लगाया था वहां पे लेबर बहुत ज्यादा होती है, तो और वो लेबर इंटेंसिव कंट्रीज है, तो इसका मतलब है लेबर को यूज करने की वजह से उनकी प्रोडक्शन का कॉस्ट कम आएगा, जिसकी वजह से आप एक सस्ते रेट पे उसको बना पाओगे और यू विल गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू द डेवलप कंट्रीज। ओके, सो एज अ रिजल्ट द डेवलप कंट्रीज नो लॉन्गर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट देयर डिमांड इन देयर होम कंट्री। अब क्या हुआ, अभी कहानी उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब ये सस्ता बना पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सस्ता बना रहे हैं, तो इस वजह से एक टाइम पे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, जो डेवलप्ड कंट्री थी, जो एक्सपोर्ट कर रही थी, अब वो खुद क्या बन जाएगी स्टूडेंट, एक इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी, क्योंकि इनके पास अब ज्यादा एडवांटेज है उनसे सामान मंगाने में। सो द डेवलप्ड कंट्रीज फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नाउ। अब डेवलप कंट्रीज क्या करेंगे, उसको छोड़ करके और फिर कुछ नई चीजों को बनाना शुरू कर देंगे, राइट। सो most of the electronic products such as calculator, televisions, personal computers and mobiles have undergone these stages during their life cycle. For example, USA was major producer exporter of television receivers for so many years. As European countries and Japan started producing it gave intense competition to USA, so that USA is no longer producing it. Currently, its production has now shifted to other developing South Asian countries. The same trend was observed in some in case of automobile industries also, where production shifted from USA to European countries and Japan to Malaysia. और आपको पता है कि आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट जो हैं, वो इंडिया में लगातार शिफ्ट किए जा रहे हैं,
राइट। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये तीन स्टेजेस के थ्रू हम क्या समझते हैं, पूरी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। चलो आगे कुछ क्रिटिसिज्म है वो बात कर लेते हैं। द थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द यूएसए डोमिनेंस इन द वर्ल्ड मार्केट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम 1940s टू 1970s, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। रेमंड वर्नन फोकसेस दैट ऑल न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड इन यूएसए ओनली। दिस इज नॉट द केस एज अ कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी हैव डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सच एज वीडियो गेम कंसोल्स वायरलेस फोन एक्सेट्रा। वो कह रहे कि इस थ्योरी के सब प्रॉब्लम ये थी कि इसने सिर्फ फोकस कहां दिया कि जो चीजें यूएसए ने बनाई, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो होती है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज खुद भी बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करती है। द स्टडी ऑफ दिस थ्योरी वॉज कैरिड आउट इन 1960s। Since then there has been tremendous change in the trends of the world's trade. वो कह कि ये थ्योरी जो थी वो बनाई गई थी कब 1960s में, और तब से लेकर के आज तक बहुत सारे वर्ल्ड में चेंजेस आ गए हैं। हम आज यही देख रहे हैं कि क्यों इंडिया कितना इनोवेटिव हो गया है। ईयर ऑन ईयर इंडिया में इनोवेशन बढ़ता जा रहा है, इंडिया की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, इंडिया नई नई चीजों को बनाता जा रहा है, राइट। ये हम लगातार देख ही रहे हैं। एज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन हैज मेड वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज where new products are now simultaneously launched in different parts of the world at the same time. वो कह रहे कि आज की अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो आज के डेट में ऐसा नहीं होता कि पहले तुम एक मार्केट देखते हो फिर दूसरा, आज एक ही साथ सब जगह लॉन्च होते थे। आप वो याद करो एप्पल जब अपना फोन लॉन्च करता है तो एप्पल इवेंट होता है, वो एक साथ ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मेजर कंट्री में उसे लॉन्च करना कर देता है। हाँ ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ दिनों बाद आता, बट कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं होता कि सालों बाद प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर मान लो सितंबर 5 का एप्पल इवेंट होगा 2024 के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक जो है आईफोन इंडिया में पहुंच जाएगा, राइट। आगे दिस थ्योरी स्टेट्स दैट प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू होम कंट्री इन द इनिशियल स्टेज व्हिच इज नॉट द केस एज देयर इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन नाउ। वो कह रहे हैं कि ये थ्योरी जो है वो क्या बताती है, ये बताती है कि प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड रहती है कहां पे, होम कंट्री तक इनिशियल स्टेज में, which is not the case, जो अभी present case नहीं है, as this globalization of production now, अब production जो है वो globalization में हो चुकी है, right? तो ये criticism है।